Molecularity. The second important terms in addition to order of reaction is molecularity. It can be defined as elementary reaction. That means those reaction for which order of reaction and molecularity are same. Elementary reaction kisko bolenge? Reaction in which order and molecularity are same. तो सबसे पहले molecularity है क्या है वो समझते हैं. So there is a no meaning of molecularity for complex reaction. Complex reaction यानी कि the reaction are occurring in more than one steps. एक से ज्यादा step में होने वाले reaction, उनके लिए molecularity का कोई meaning नहीं रहता है. The definition of molecularity for elementary reaction can be given as below. The number of atoms, oblique ions or molecules of reactants that can take part in the reaction which experience collisions with each other so that the reaction results, it is called molecularity of reaction. As you know that जब भी reaction होता है तो उसके अंदर reactants के जो atoms, ions और molecules होते वो एक दूसरे के साथ collides होते और जब वो collides होते तब वो due to the collisions successfully results किसमें create होता है? Product में. तो वो जो number of ions, molecules, oblique एटम्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे तो जितने नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे उसको हम बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी. क्या बोलेंगे? मॉलिक्युलरिटी. इफ वन मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड इन द रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड मोनोमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. अगर एक ही मॉलिक्यूल एसोसिएट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर. एज पर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट दैट इज NH4NO2 एमोनियम नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू NO N2 प्लस 2H2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंस में सिर्फ NH4NO2 का कितना मॉलिक्यूल है? वन मॉलिक्यूल, और इसलिए वो हो गया वन मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इन अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? दो. टू मॉलिक्यूल्स हैव अ कोलाइजंस विद ईच अदर एज फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI कन्वर्ट्स इनटू H2 प्लस I2. क्लियर है? तो HI के कितने मोल्स हुए? टू, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स हुए HI के, दो एटम्स हुए जो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कोलाइड, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स में. इन अ टर्मोलेक्युलर रिएक्शन थ्री मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर. तीन मॉलिक्यूलर एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कोलाइड. उसको हम बोलते हैं टर्मोलेक्युलर रिएक्शन. एज फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ डाइऑक्सीजन गैस, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड विथ डाइऑक्सीजन गैस NO प्लस O2, बट NO के कितने मोल्स है? टू, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. टोटल कितने हुए? थ्री मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए और क्या फॉर्म करेंगे? तो मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे रिएक्शन किस टाइप समझ में आए? वन मॉलिक्यूल, बाय मॉलिक्युलर एंड टर्म मॉलिक्युलर. द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन ऑफ थ्री और मोर मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड रिजल्ट्स इन द रिएक्शन इज लेस. तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलर एक दूसरे के साथ कोलाइड हो और रिएक्शन पॉसिबल हो, इसका पॉसिबिलिटी क्या है? काफी कम. और द मॉलिक्युलरिटी मोर देन थ्री इज नॉट सीन. मॉलिक्युलरिटी मोर देन थ्री आपको दिखने नहीं मिलेगा. हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटीज ऑफ बायोमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन आर सेम. हायर एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि दोस रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलरिटीज. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटीज इन विच रिएक्शन बायोमोलिकुलर एंड ट्राइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन आर सेम. H2 and I2 combine and form HI. H2 I2 combine होके क्या बनाएंगे? H2 plus I2 gives 2HI. In this, one molecule of hydrogen and one molecule of iodine is used and so its molecularity is 1 plus 1. One molecule of H2, one molecule of I2. Total कितने molecules हुए? 2. और इसलिए उसका molecularity कितना हुआ? 2. i.e. it is a biomolecular reaction. But इससे पहले हमने उसका रेट लॉ पढ़ा था. रेट लॉ कुछ ऐसे था, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, H2 का कॉन्सेंट्रेशन, I2 का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस. यहाँ पे कितना पावर था? वन. यहाँ पे कितना पावर था? तो ए H2 के रेफरेंस में वन ऑर्डर है, I2 के रेफरेंस में तो टोटल वन प्लस वन कितना ऑर्डर हुआ? ऑर्डर टू. तो ये जो H2 plus I2 gives 2HI वाला रिएक्शन है उसका ऑर्डर कितना हुआ? 2. एज वेल एज मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई? 1 plus 1, 2. Hence the order will be looking to
द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपोनेंट्स ऑफ H2 एंड I2 आर 1 एंड 1, जो मैंने यहाँ पे बताया 1 एंड 1, और दैट्स व्हाई ऑर्डर कितना हुआ 1 प्लस 1 2. दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी आर सेम. तो वैसे हमने यहाँ पे लाइन बोला ही था बाय मॉलिकुलर एंड ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी क्या रहेगा सेम. फॉर मोनो मॉलिकुलर रिएक्शंस हमने वहां पे मोनो मॉलिकुलर रिएक्शन की बात नहीं की थी, सिर्फ दो ही लिए थे बाय मॉलिकुलर एंड ट्राई मॉलिकुलर. उसमें ही मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहता है सेम. बट अगर मोनो मॉलिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं देन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी वन एट अ हाई प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, बट लोअर प्रेशर एंड और कॉन्सेंट्रेशन द ऑर्डर विल बी टू. कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम सारे रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, बट प्रेशर कब यूज करते हैं जब गैसियस रिएक्टेंस या गैसियस प्रोडक्ट हो. देन तो मोनोमोलिकुलर में क्या होता है, अगर आप प्रेशर हाई रखते हो कॉन्सेंट्रेशन हाई रखते हो तो ऑर्डर भी कितना मिलेगा 1. SMS मॉलिकुलरिटी, मोनोमोलिकुलर मतलब कि 1 मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर भी कितना मिलेगा 1, बट प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए हाई. बट अगर आपने प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो मॉलिकुलरिटी तो 1 रहेगा ही रहेगा, इसलिए तो उसको मोनोमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, बट ऑर्डर कितना हो जाएगा 2. तो उस वक्त वो दोनों सेम नहीं होंगे. क्लियर. अगर इसी को ही हम समझे NH पर NO2 वालों का, तो NH पर NO2 का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मॉलिकुलरिटी तो 1 था ही, साथ में ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 1. बट अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो मॉलिकुलरिटी 1 था ही, बट ऑर्डर कितना हो जाएगा 2. समझिएगा, आ गया समझ में पक्का. अंडर दो सर्कमस्टेंस इट डज नॉट रिमेन एलिमेंट्री रिएक्शन, और तब वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि लोअर प्रेशर लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों चीज क्या हो गई अलग. कौन सी दो चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी, और इसलिए हम उसको एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेंगे. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल बी 10. 10 को राउंड करना है, क्रॉस लगा दो. ओके, ए रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा 10. उन्होंने कैसे किया ध्यान देना, KCLO3 है किसी के पास पहले से राउंड लगाया हुआ और क्रॉस, यहाँ पे राउंड लगा के क्रॉस किया हुआ है पहले से. किसका बुक यूज कर रहे हो? समझाने चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर 10 हो सकता है. वो नहीं बता रहे कि 10 है, ऐसा नहीं बता रहे, इट विल बी 10. ओके, कैसे बता रहे हैं? KCLO3 का 1 मॉलिक्यूल्स, FeSO4 का 6 मॉलिक्यूल्स एंड H2SO4 का, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हुए, तो उसका मॉलिक्युलरिटी 10 है. अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो मॉलिक्युलरिटी इक्वल्स टू क्या होता, ऑर्डर. बट दो डाउट है, एक तो मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा दिखने नहीं मिलता, देन तो फिर मॉलिकुलरिटी भी 10 नहीं है. ओके, तो अगर सिर्फ नंबर ऑफ मोल से हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऑर्डर 10 हो सकता है, बट उसका एग्जैक्ट ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि स्टिच्योमेट्री कोएफिशिएंट के साथ ऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं है. तो इसीलिए आप इसको पढ़ के जब ऐसा इक्वेशन देखे तो 10 लिख के ना आओ, इसलिए मैंने 10 को राउंड करवा के क्या बोला, क्रॉस करो और 2 को बाजू में ट्रू कर दो. मतलब कि इस रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है 2, और जितने रिएक्शंस बुक में दिए गए हैं उनका ऑर्डर वो पूछ सकते हैं, उसके बाहर का नहीं पूछेंगे, बट जितने रिएक्शंस बुक में है उनका ऑर्डर पूछेंगे. तो इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली कौन सा ऑर्डर आएगा 2. और इतना ही लंबा एक और इक्वेशन था, दैट इज Br- BrO3- + H + गिव्स Br2 + H2, मैंने बैलेंस नहीं किया, उसका क्या था ऑर्डर 4 ऑर्डर था इसके आगे. क्लियर है? चलो, रीजन फॉर दिस दैट द रिएक्शन अकरिंग इन मोर देन वन स्टेप. देखो मॉलिकुलरिटी 10 थी अगर हम नॉर्मली देखते थे, बट हमने डिफाइन किया है कि मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. ओके, क्यों? क्योंकि ए जो रिएक्शन है ना वो एक से ज्यादा स्टेप में होने वाला रिएक्शन होते हैं. जैसे कि पहले दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो गए, उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उनके साथ तीसरा मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होगा, एच प्लस वैसे करके 10 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो गए, आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट. देन तो एक से ज्यादा स्टेप्स में होने वाले रिएक्शन है. And so the slowest step is the reaction determines the order of reaction, and so it becomes the rate determining steps. तो एक से ज्यादा step में होते हैं तो total reaction तो तभी complete होगा ना जब slow वाला step complete होगा. तो जो slow steps है वो आपका क्या determine करता है, rate determine करता है, और उसका जो order है that is the order of reaction.
द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, उसको समझाने के लिए, स्टेप्स को समझाने के लिए दूसरा इलुस्ट्रेशन लिया उन्होंने, द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 इन अ प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन कैटालिस्ट अकर्स एज फॉलो. आयोडाइन माइनस मतलब कि आई माइनस आयन, आयोडाइड आयन इज वर्क एज अ कैटालिस्ट, और H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा, 2H2O+O2. अब ये जो रिएक्शन सिंगल फॉर्म में बताया गया है एक्चुअली में वो दो स्टेप्स में हो रहा है. कौन से दो स्टेप? तो पहले H2O2 का वन मॉलिक्यूल आई माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा H2O+IO-. अभी जो सेकंड मॉलिक्यूल से जो इसका IO- प्रोडक्ट है उसके साथ रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा H2O+I-+O2. I- सामने सामने से कट, IO- कट, अगर प्लस करना चाहे दोनों रिएक्शन को तो यहाँ पे H2O2 टोटल कितना H2O2 2H2O2, यहाँ पे H2O कितना H2O और O2 का O2, बाकी IO- कट, I- कट. समझ में आया? मतलब कि इसी का ही दो स्टेप्स है. ओके, अब आपसे पहले आप कैटालिस्ट के बारे में क्या पढ़े हो, व्हाट इज द कैटालिस्ट? इट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन या तो फिर इट डिक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन. और आपने ऐसा भी पढ़ा होगा ना, कैटालिस्ट हु डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ऐसा एक फेमस सेंटेंस आप 8-9 में पढ़ के आओ, इरेज कर देना मेमोरी में से. क्लियर? क्योंकि हम अब पढ़ेंगे कि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्ट लेता है. यू कैन सी क्लियरली हियर आई माइनस ने रिएक्शन में पार्ट लिया, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो वापस मिल गया, आई माइनस वापस मिल गया. दैट्स व्हाई उसका प्रपोजेंस जो है जितना यूज हुआ था उतना वापस मिल गया, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता है. और इसलिए हम ऐसा बोलते हैं इनडायरेक्टली कि इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन. बट अभी के डेफिनेशन में आगे जाके कैटालिस्ट वाला पूरा टॉपिक है, तब डेफिनेशन चेंज हो जाएगा. आपको बोलना पड़ेगा कि कैटालिस्ट विच इज टेकिंग द पार्ट इन द रिएक्शन, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट विल गेट बैक. ओके, वो हमें वापस मिल जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट. डन. बोथ दी स्टेप्स आर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन. शांति से समझना, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन. बायोमोलिकुलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे, देखा आपने, एक और दो, एक और दो. और एलिमेंट्री रिएक्शन दैट मीन्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी आर सेम. ओके, आईओ माइनस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट. सबसे पहले स्टेप में आईओ माइनस मिलता है और सेकंड स्टेप में वो यूज हो जाता है. तो दो स्टेप को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है, तो दैट इज द इंटरमीडिएट. इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बट नॉट फाउंड इन अ, पहले नहीं था और लास्ट में नहीं है. रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फॉर्म होता है. फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड हेंस इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स. हेंस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट आयन IO- आयन डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन. क्योंकि ये तो स्लो स्टेप है, जब तक IO- आयन नहीं बनेगा तब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं होने वाला है. तो इट इज रेट जो है वो कौन डिफाइन करेगा, प्रोडक्शन ऑफ IO- आयन. जितने ज्यादा IO- आयन बनेंगे उतना जल्दी से आपको क्या मिलता जाएगा, प्रोडक्ट. फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टडी फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड. अब ये जो तीन पॉइंट है दैट इज द कंपेरिजन बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर. ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर उनके बीच में क्या कंपेरिजन कर सकते हैं उसके बारे में, तो अलग से भी क्वेश्चन आता है. देन तो समझना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और दैट्स वाई ना आपके बस की बात है ना मेरे बस की कि हम ऑर्डर डिफाइन कर दें. इसलिए मैंने बोला कि जितने इक्वेशन बुक में उतने का ऑर्डर याद होना चाहिए. क्लियर? क्योंकि उसके लिए थंब रूल नहीं है कि ऐसा होगा तो इतना ही ऑर्डर होगा. वो रिएक्शन के रिएक्शन वेरी करता है और एक ही रिएक्शन में कंडीशन चेंज हो जाए तो भी वेरी करता है. और इसीलिए इट इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. इट कैन बी जीरो और इवन अ फ्रैक्शन. ऑर्डर जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है. व्हाइल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन. क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी. तो कभी जीरो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेगा नहीं, मतलब जीरो नहीं हो सकता. और कभी एक और आधा मॉलिक्यूल कोलाइड होगा नहीं. अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो गए तो दो तीन ऐसे कोलाइड हो गए तो इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन. मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन और जीरो नहीं होता. वेरस ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी अप्लाइड टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ऑर्डर आप एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंपल बायोमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. वाइल
मॉलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, हेंस देयर इज अ नो मीनिंग ऑफ मॉलिकुलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है. एंड थर्ड वन, फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप शोज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड जनरली द मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ टोटल रिएक्शन. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो एक से ज्यादा स्टेप में होगे, एक से ज्यादा स्टेप में होगे तो द स्लोएस्ट स्टेप शोज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जो स्लो स्टेप है वो क्या बताएगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एंड जनरली मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे H2O2+I-, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, इसका मॉलिकुलरिटी कितना है, दो, एक एंड टू, दो मॉलिकुलरिटी है और इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, टू. बोलो कोई डाउट? ओके, न्यूमेरिकल. द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ द थ्री एक्सपेरिमेंट कैरिड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन. टू एनओ प्लस सी एल टू डबल गिव्स टू एनओ सी एल. एक रिएक्शन दिया गया, उस रिएक्शन के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, थ्री एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आपको दिए गए. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है इट इज शोइंग द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ सी एल टू एंड यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी एल टू लिखा है, बट वही चीज आप एनओ के लिए अप्लाई कर सकते हो. देन और यूनिट है उसका मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन अपसाइड और डिविजन में सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड. अलग अलग तीन एक्सपेरिमेंट्स के लिए रेट बताए गए और कॉन्सेंट्रेशन बताए गए. हमें डिड्यूस करना है, डिड्यूस द डिफरेंशियल रेट लो, रेट लो हमें डिड्यूस करना है. नंबर टू, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एंड नंबर थ्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ कॉन्स्टेंट. तो सबसे पहले ध्यान दो, रिएक्शन क्या दिया है, टू एनओ प्लस सी एल टू, टू एनओ सी एल. अब इसमें दो रिएक्शन है, ओके. सो हाउ कैन यू राइट द रेट, सॉरी डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल रेट लो, तो दैट इज रेट इक्वल्स टू, रिएक्शन रेट इक्वल्स टू, रेट किसको बोलते हैं, जो लोग नहीं थे वो खास ध्यान दे, रेट किसको बोलते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम. वैसे चेंज के लिए हम डेल्टा या डी यूज करते हैं, एनओ का दैट इज रिएक्टेंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ अपन टाइम, मतलब डी एनओ बाय डीटी. रेट समझ में आया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन टाइम, बट रिएक्टेंस इनिशियली ज्यादा होते, धीरे धीरे टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम, तो ये जो चेंज है ना वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी बड़ी होती है और फाइनल क्वांटिटी छोटी, तो अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैथमेटिकली हम रिएक्टेंस जब लेते हैं तब आगे क्या रखते हैं, माइनस, माइनस डी एनओ बाई डी टी, समझ में आया, दैट इज इक्वल. ओके, सेकेंड थिंग, अगेन एक चीज और ध्यान दो, अगर सी एल टू का वन मोल यूज होगा तो सामने एनओ का कितना मोल यूज हो जाएगा, टू मोल यूज हो जाएगा, मतलब कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसके रिलेटिव में इसका डबल हो रहा है, तो उसको कंपेयर में लाने के लिए डबल को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, टू से, तो माइनस वन बाई टू डी एनओ बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस डी सी एल टू बाय डी टी. सी एल टू में वन मोल है तो वन अपन वन, आंसर क्या रहेगा, वन, इसमें टू मोल थे तो वन अपन टू, ये दोनों रेट शो कर रहे हैं, बट इसमें से हमें एग्जाम्पल में सिर्फ माइनस डी सी एल टू बाई डी टी करके दिया है, देन ए भी करके देते तो भी चलता, दोनों साथ में देते तो भी चलता. दैट इज प्रपोजनल टू, रेट लो किसको बोलते हैं, तो दैट रेट इज प्रपोजनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, तो दैट इज एनओ एंड सी एल टू, बट इसका कुछ पावर्स होता है, एक्सपोनेंट्स, वो एक्सपोनेंट अभी हमें पता नहीं है, तो वी टेक एक्स एंड वाई सपोज. क्लियर है? अब ध्यान देना, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो एक्सपोनेंट्स हमने रखे ना, दैट इज द ऑर्डर, कब का मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये एक्सपोनेंट्स को हम ऑर्डर बोलते हैं. जैसे कि इस रिएक्शन का एनओ के रेफरेंस में ऑर्डर कितना है, एक्स, और इस रिएक्शन का सी एल टू के रेफरेंस में ऑर्डर कितना है, वाई. देन और एक्स प्लस वाई करोगे, दैट इज द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बोलो कोई डाउट? और देयर फॉर माइनस डी सी एल टू बाई डी टी, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वी हैव टू पुट कॉन्स्टेंट के
एनओ का पावर एक्स एन सी एल टू का पावर वाई, तो दैट इज लो इक्वेशन। उसमें तीन अननोन है, के एक्स एंड वाई, ये तीनों एक तीनों अगर हम फाइंड कर लेंगे तो के कांस्टेंट फाइंड करना था वो आ गया, टोटल ऑर्डर फाइंड करना था तो एक्स प्लस वाई कर देंगे वो भी आ गया, और पहला क्वेश्चन रेट लो इक्वेशन भी बन जाएगा। देन तो उसको फाइंड करने के लिए हमें तीन डेटा दिए गए हैं, तो हम एक बाय एक यूज करते हैं। तो फ्रॉम वन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनओ का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, सी एल टू का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, और सामने क्या दिया गया है, रेट। तो रेट का वैल्यू रख दूं मैं 3.5 × 10^2, रेट की जगह पे सॉरी ओके रेट की जगह पे माइनस डी सी एल टू बाई डी टी की जगह पे मुझे क्या रखना है, फ्रॉम वन थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव क्रॉस 10^2 माइनस फोर इक्वल्स टू, के का वैल्यू पता नहीं है बट उसके सामने 3.5 × 10^4 के सामने एनओ का वैल्यू कितना है, कॉन्सेंट्रेशन 0.01, तो दैट इज 0.01 उसका पावर एक्स, फिर 0.02 उसका पावर वाई, दैट इज द इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। फिर फ्रॉम टू दूसरा जो दिया है टेबल में उस पे से रेट दूसरा कौन सा दिया है, 1.4 × 10^2 माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू के, अब कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.02 दोनों में, तो 0.02 × x 0.02 × 2 दैट इज नंबर थ्री। एंड फ्रॉम थ्री तीसरा जो दिया है 7 × 10^2 माइनस फोर इक्वल टू के, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.01 एंड 0.04, तो एनओ में 0.01 × x एंड 0.04 × y कितने लोगों को इक्वेशन बनाना है। ओके सही में ना, चलो अब मुझे x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखोगे तो ये पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा जो इक्वेशन है इसमें 0.02 × y है, इसमें भी 0.02 × y है, और यहाँ पे के है, अगर हम रेशियो लेंगे तो के कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स, सो बाय टू एंड थ्री 3.5 × 10^-4 अपॉन 1.4 × 10^-3। 3.5 के सामने क्या था, के 0.01 × x 0.02 × y अपन के 0.02 × x 0.02 × y दोनों को कॉपी कर लिया, यहाँ से क्या कट हो गया 0.02 × y 0.02 × y के कट हो गया, आंसर कितना है इसका रेशियो का 2.5 × 10^-1। अब देखो इसमें दोनों में पावर एक्स है ना, तो 0.01 × 0.02 डिवाइड सॉरी उसका पावर कितना हो जाएगा एक्स। अब सेकंड थिंग इसको आप बोल सकते हो 0.25, या तो फिर यू कैन से दैट 25/10 और ये 10^-1 का 10 सिंपल है कि 100 होने वाला है, 5 5 से करोगे तो 5 से कितना हो जाएगा 2 2, क्लियर हुआ। चलो और यहाँ पे 1/2 × x यहाँ पे जनरली कैलसी अवॉइड करना है अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ये 1/4 हो गया ओके, या तो फिर 1/2 का क्या हुआ स्क्वायर, दैट इज 1/2 का पावर x, बेस सेम है 1/2 1/2, यहाँ पे पावर कितना है 2 और यहाँ पे कितना है x, बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज यू विल गेट x इक्वल्स टू 2, समझ में आया। अब अगर मुझे y फाइंड करना है तो वापस वही इक्वेशंस को देखो जो हमने फॉर्म किए थे, तो इन लास्ट टू इक्वेशन सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो दोनों दोनों में क्या है, अब 0.01 × x एंड 0.01 × x कट करके हम किसको फाइंड कर सकते हैं, y को, सो बाय वन एंड थ्री, 1 का वैल्यू था 3.5 × 10^-4, 3 का वैल्यू है 7 × 10^-4,
0.01 रेश टू एक्स, 0.02 रेश टू वाई, और यहाँ पे के 0.01 रेश टू एक्स, और चेक करना है तो कर सकते हो आप फटाफट। देखो 0.01 रेश टू एक्स, 0.02 रेश टू वाई, और इसमें 0.04 रेश टू वाई। क्या कट हो जाएगा के ओके चलो इसका रेशियो क्या आएगा, ये तो कट हो गया 0.5 यानी कि 1/2, क्योंकि आप थोड़ा इसको कैलसी से अवॉइड करके ही गिनना है। 3.5 का डबल क्या है 7, तो 1/2 हुआ, और यहाँ पे 0.02/0.04 रेश टू वाई, दैट इज 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 रेश टू वाई, तो यहाँ पे 1/2 अकेला है तो उसका पावर कितना होगा, दैट मीन्स की y इक्वल्स टू 1। ओके सबसे पहले रेट लो फॉर्म कर देते हैं, सो बाय वन में आपके पास था 3.5 × 10⁻⁴ के 0.01 रेश टू x एंड 0.02 रेश टू y, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं x एंड y के, तो के 0.01 x का पावर कितना मिला था, x का वैल्यू कितना मिला था 2, और y का वैल्यू कितना मिला है, क्लियर। तो अब हमें k मिल सकता है, therefore k equals to, ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन में k के साथ वो कहाँ जाएंगे, डिवीजन में जाएंगे, तो 3.5 × 10⁻⁴ के डिवीजन में भेजना है, बट ये जो 0.01 है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 10⁻², और उसका भी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 10⁻⁴, और यहाँ पे 0.02, ये दोनों तो कट हो गया, आंसर कितना है Now 175. Now main task is that unit of k. क्या कर रहा है? Main task is that unit of k. अब ध्यान देना, जो लोग नहीं थे और जो लोग थे, नहीं थे उनके लिए सबसे पहले फॉर्मूला, अगर n order रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, n order, तो k का यूनिट था कॉन्सेंट्रेशन रेश टू 1 - n टाइम इनवर्स, ए एन का यूनिट है, सॉरी के का यूनिट है, कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे हमें एक्स कितना मिला, एक्स कितना मिला 2, फिर वाई कितना मिला 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 3 है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1, टोटल ऑर्डर कितना है 3, और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन हमें किस में दिया था, मोल लीटर पर इनवर्स, ओके कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, उसका 1 - कितना पावर आएगा 3, और फिर टाइम किस में था, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स, और इसीलिए 175, 1 - 3 - 2 यानी कि मोल का -1 × -2 - 1 तो -1 × -2 + 2 एंड सेकंड इनवर्स, ए यूनिट खास लिखना, मार्क्स जाएंगे। देन तो वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि एन का वैल्यू चेंज हो गया तो यूनिट भी क्या हो जाएगा चेंज। तो ये हमने के फाइंड कर लिया, वो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, रेट लो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सो रेट लो वो हम बाई वन लिख सकते हैं, वन में हमने ऐसे डिफाइन किया था -CL2/dt that is equals to k, k की जगह पे क्या आया 175, फिर एनओ का पावर x था ना, x की जगह पे 2, और Cl2 का पावर 1 था उसकी जगह पे 1, ये हो गया रेट लो, अदरवाइज यहाँ पे k रख सकते हो। देन और अब क्या बाकी रहा, ऑर्डर ऑफ दैट इज एक्स प्लस 2 + 1 3, बोलो कोई डाउट कंफर्म गया, यूनिट भी देख लो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सॉरी मोल रेश टू माइनस टू सेकेंड इनवर्स। सो अब
टू नाउ हमने चैप्टर में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. सो वी हैव सीन दैट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन concentration on rate is a differential rate equation. Always it is not easy to determine instantaneous rate. मतलब कि dCl2 by dt आप जो लिखते हो that is differential rate equation. d by dt करते हो ना तो instantaneous rate देता है. So it is very difficult या फिर it is not easy to determine instantaneous rate as well as we have seen for the measurement of instantaneous rate. हमने पहला जो numerical पढ़ा था उसमें average rate find किया था. एवरेज रेट भी चेंज होता रहता है तो इंस्टेंटेनियस रेट को डिफिकल्टी मतलब कि फाइन मेजर करना क्या हो जाएगा डिफिकल्ट. तो इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर करना अगर डिफिकल्ट हो गया तो फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे बनाएंगे. जैसे हमारे हमी अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल किया ना उसमें माइनस डी सी एल टू बाई डी टी दिया था, इंस्टेंटेनियस रेट दिया था. देन चलो वो तो अभी न्यूमेरिकल सब प्रैक्टिकली उसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट है. क्या कौन से मेथड से कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का क्या बताएंगे ग्राफ. उस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है तो वहां पे आप क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तभी आपको क्या मिल सकता है इंस्टेंटेनियस रेट. अब ध्यान देना, दस इट इज डिफिकल्ट वर्क टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम डिफरेंशियल रेट, हेंस द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैन बी मेड. डिफरेंशियल इक्वेशन से काम नहीं कर रहे तो हम कौन सा, उससे ऑपोजिट रिलेशन क्या है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन. तो हम इंटीग्रेशन रेट लॉ बनाएंगे एंड दिस लॉ सिंप्लीफाई द डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स. ये जो लॉ है अलग अलग टाइम पे हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करके देगा. इट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल इन अ केमिकल काइनेटिक्स, और यही चीज केमिकल काइनेटिक्स में यूज किया जाता है प्रैक्टिकली. वी शैल अंडरस्टैंड द इंटीग्रेटेड रेट फॉर द जीरोथ एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दो ऑर्डर के लिए ही हम इसको पढ़ेंगे, कौन से दो, जीरो एंड फर्स्ट. तो सबसे पहले वट इज दी ऑर्डर, तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते थे हम, एक्सपोनेंट्स. ओके, तो सपोज हम एक ही रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज आर टू बी, आर कन्वर्ट्स इनटू पी, वन मोल ऑफ आर कन्वर्ट्स इनटू वन मोल ऑफ पी, वन मोल रिएक्टेंस कन्वर्ट्स इनटू वन मोल प्रोडक्ट. अब सपोज यहाँ पे मैं जीरो ऑर्डर को समझा रहा हूँ और यहाँ पे वन ऑर्डर को समझा रहा हूँ. ठीक है, वन मोल रिएक्टेंस कन्वर्ट्स इनटू वन मोल प्रोडक्ट. सो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर कैसे डिफाइन किया था, रेट, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस डी आर बाय डीटी. अभी एनओ लिया था बिकॉज एनओ एक्ट एज अ रिएक्टेंस, तो हमने यहाँ पे आर को आर ही रखा है, तो माइनस डी आर बाय डीटी इज प्रपोजनल टू द कॉन्सेंट्रेशन विद एक्सपोनेंट्स जीरो. अगर जीरो पावर होता है तभी वो जीरो ऑर्डर हो गया. देन और अगर माइनस डी आर बाई डी टी विथ प्रपोजनल टू पावर वन देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. है ना, ध्यान देना और समझते जाना, बाद में अंदर से समझाऊंगा. दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू आर रेस टू जीरो. अब सिर्फ पहले जीरो ऑर्डर को समझते हैं, तो के इंटू आर रेस टू जीरो, आर रेस टू जीरो कितना हो गया, वन. देन अब हम क्या करेंगे, माइनस डी आर इक्वल्स टू के इंटू डी टी, और ये माइनस को प्लस कर देते और प्लस को क्या कर देते माइनस. अब हम क्या करेंगे आगे, तो इंटीग्रेशन में से डेरिवेशन में से जाना है इंटीग्रेशन में, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस के डी टी इंटीग्रेशन, बट माइनस के इज कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से क्या हो गया बाहर. अब डी आर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x देता है, dx के आगे कुछ नहीं होता है, मतलब 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, तो यहाँ पे dr के रिस्पेक्ट में मतलब कि r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा r, इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस k और dt का t, प्लस जब भी इंटीग्रेशन करते क्या रखते हैं कॉन्स्टेंट. दो तरीके हैं, एक ही में मैं दो तरीके बताता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं बताऊंगा. दूसरा तरीका ऐसा है कि इंटीग्रेशन dr इक्वल्स टू माइनस k इंटीग्रेशन dt. दूसरा ऐसा है कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो होता है तब लिमिट कितना होता है आर जीरो, और अगर टाइम टी होता है तब कॉन्सेंट्रेशन कितना है मानो कि आर टी. समझ में आया, जीरो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन आर जीरो और टी टाइम पे आर टी. तो अगर आपने लिमिट रख दिया है तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा आर. दो लिमिट कौन से आएंगे, आर जीरो एंड आर टी,
इक्वल्स टू माइनस के, इंटीग्रेशन का आंसर आएगा टी, और लिमिट कौन सा आएंगे, जीरो और टी। अगर लिमिट आ रहे हैं तो फिर प्लस सी रखने की जरूरत है, और अगर लिमिट नहीं लिखे हैं तो आपको प्लस सी रखने की जरूरत है। तो ये समझ में आया। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। सबसे पहले c का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज अगर t इक्वल्स टू जीरो है, t इक्वल्स टू क्या है, जीरो, देन हम r को क्या बोल देते हैं, r जीरो, क्या बोल देते हैं, r जीरो। तो पुट हियर r जीरो इक्वल्स टू माइनस के टी, सॉरी t इक्वल्स टू तो क्या रखना है, जीरो प्लस c, तो जीरो हो गया है, तो c इक्वल्स टू क्या मिला। तो इस इक्वेशन में हम r का r रखते हैं, माइनस के टी प्लस सी की जगह पे क्या रख देते हैं, आर जीरो, और इसको टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर टी से, डन। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी मिल सकती है। सबसे पहले अपर वाला लिमिट दैट इज आर टी, चलो यहाँ पे क्या आएगा, आर टी, बाद में लोअर लिमिट आर जीरो इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस जीरो, इन शॉर्ट आर टी इक्वल्स टू माइनस के टी, और माइनस आर जीरो को उधर भेज देते तो दोनों तरीके से एक ही आंसर आया। अगर लिमिट नहीं रखते, सी रख के सी का वैल्यू फाइंड करो कंडीशन अप्लाई करके, और अगर लिमिट रख देते हो तो डायरेक्ट आ जाएगा, सी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। सेम टू सेम चीज फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा था, सो दैट इज माइनस डी आर अपन dt इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k, r का पावर कितना है 1, ओके, तो r रहेगा, r निकलेगा नहीं, फिर r को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, दैट इज माइनस dr अपन r इक्वल्स टू k dt हो जाएगा। इसको माइनस का प्लस बना के इसको माइनस कर देंगे। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो a हो गया 1 अपन r का इंटीग्रेशन, 1 अपन r dr, मतलब कि 1 अपन r का इंटीग्रेशन, 1 अपन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि मैंने लिमिट्स नहीं रखे। अगेन t इक्वल्स टू जीरो, तब मानो कि कॉन्सेंट्रेशन r इक्वल्स टू क्या है, r जीरो, तो एल एन आर जीरो इक्वल्स टू माइनस के t की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस c। ऐसा करने से किसका वैल्यू मिलेगा, जो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन, सेम टू सेम वही इक्वेशन है जो जीरो ऑर्डर में था, बट वहां पे आर और आर जीरो अकेला था, यहाँ पे क्या है, एल एन है, और टी टाइम के लिए इसको मान ले, तो एल एन आर टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइप वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बट यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट उसका स्लोप एम क्या है, नेगेटिव के, मतलब कि आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, और ये जो सी है दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि ए पॉइंट जो है ना जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा होगा, आर जीरो, उसका स्लोप का वैल्यू कितना होगा, माइनस के। सिमिलर वे अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टी, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, एल एन आर आर टी, मतलब अलग अलग टाइम के लिए एल एन आर, और सी कहाँ से स्टार्ट होगा, एल एन आर जीरो, और स्लोप क्या है, नेगेटिव, अगेन वही का वही ग्राफ मिलेगा, बट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज नथिंग बट एल एन आर जीरो, और इसका स्लोप क्या रहेगा, माइनस के। बट ln that is the natural log, और natural log can be converts into log base 10 by multiplying with 2.303 log rt equals to minus kt plus again 2.303 log r0, तो सबको 2.303 से डिवाइड करो, log rt equals to minus k upon 2.303 t, इसमें तो आ जाएगा डिवीजन में, इसमें कट हो गया, और इसमें भी क्या हो जाएगा, कट, तो प्लस लॉग आर जीरो। तो यही ग्राफ अगर आप लॉग आर वर्सेस किसके लिए ड्रॉ करते हो, टी के लिए,
ग्राफ सेम टू सेम रहेगा, बट ये जो स्लोप है ना उसका वैल्यू अब क्या हो गया, चेंज, माइनस के अपन 2.303। समझ आया? दोनों में जल्दी से यहां से शो कर देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। कॉन्सेंट्रेशन का कितना एक्सपोनेंट था, जीरो। एक्सपोनेंट जीरो मीन्स दैट वैल्यू ऑफ टर्म विल बी वन एंड दैट विल बी कॉन्स्टेंट। हेंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर आर आर कन्वर्ट्स इन टू पी रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के रेस टू के इन टू आर रेस टू जीरो दैट इज इक्वल्स टू के माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी आएगा। उन्होंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, आर इक्वल्स टू माइनस के डी प्लस सी लिख दिया। मैंने काफी सारे स्टेप्स शो किए है ना, आपको वही से प्रिपरेशन करना है। फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, उन्होंने क्या किया, टी इक्वल्स टू जीरो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सी इक्वल्स टू आर जीरो। फाइनली वही इक्वेशन आया, उन्होंने पुट भी किया आर की जगह पे आर जीरो। एक्चुअली में यहाँ पे वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू आर जीरो, ऐसा आना चाहिए। डायरेक्टली आर जीरो इक्वल्स टू सी नहीं, आर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आर जीरो। और फिर उसका वैल्यू यहाँ पे रखा, आर की जगह पे आर जीरो माइनस के टी की जगह पे जीरो प्लस सी, तो सी इक्वल्स टू क्या मिला उनको, आर जीरो। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सी की जगह पे आर जीरो, और यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। देन तो फाइनल इक्वेशन मिला आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। फिर जो मैंने ग्राफ समझाया वो बात की गई है, ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर वर्सेस टाइम इज विथ लाइन will be obtained and the value of slope is equals to value of k or minus k is the value of k, galat likha hai, okay, second thing, sahi likha hai, maine galat padha, slope will be equal to negative value, ye negative bhul gaya tha isliye sentence galat ho gaya, negative value of k, that means ki minus k, to minus k slope mila and value of intercept will be r0, c ki jagah pe kya hai, R0, y equals to mx plus c, c की जगह पे क्या आया, R0, that the concentration at zero time equal to initial concentration. इसके आगे का theory next lecture में दिखेंगे, but first order बता देता हूँ साथ में। first order में क्या पढ़ा, in the first order reaction the rate of reaction is proportional to exponent one of concentration of reactants, वहाँ पे exponent zero था, यहाँ पे exponent, फिर इंटीग्रेशन करते जाना है, हमें क्या मिला, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, सी का वैल्यू जीरो फाइंड करने के लिए वो वाला जो टी इक्वल टू जीरो, और मैंने करेक्शन करवाया था ना वो, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या आएगा, आर जीरो, तो सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एल एन आर जीरो, तो एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर।